أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم In view of the prevailing political circumstances in the state of Jammu and Kashmir, Awami Itehad Party and JNK People's Movement have decided to enter into a pre-poll alliance and gather under the banner of People's United Front. The alliance has been necessitated by the ongoing political uncertainty in state, apprehensions with regard to assaults on the special status and absence of any credible political alternative in the state that could address both political vacuum and absence of good governance. People's United Front will make all efforts, inshallah, to unite all people of state, irrespective of religion, region, caste, and creed, and seek for all citizens of the state equal opportunities and social, economical, and political justice. The alliance shall follow the duly agreed upon common agenda for alliance and function under a joint coordination committee comprising three members from JKPM and AIP each, and shall be headed by Mr. Javiad Mustafa Mir, Chairman JKPM. Thank you. आपका जावेद साहब ने खैर मुकदम किया, जैसा कि उन्होंने बता दिया, इट वॉज नीड ऑफ द आवर एंड लेट अस एश्योर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट वी विल नॉट लेट यू डाउन. देयर वॉज अ डर्थ नीड ऑफ हैविंग अ ब्रॉड बेस्ड एजेंडा ऑफ लाइक माइंडेड पीपल हु कैन टेक द स्टेट आउट ऑफ ट्रबल एंड स्पीक फॉर देयर राइट्स, एस्पिरेशंस, सेंटिमेंट्स एंड सैक्रिफाइसेस एंड ऑल्सो प्रोवाइड देम गुड गवर्नेंस. इट इज एन एजेंडा ऑफ होप एंड वी एश्योर यू दैट इंशाल्लाह in the upcoming assembly elections we will not let people of Jammu and Kashmir down who really feel totally let down, who really feel frustrated for the want of a credible leadership. And this people's united front today appeals Union Government of India that for God's sake don't deprive people of Jammu and Kashmir of their fundamental political rights and conduct elections at an earliest. Don't give any further excuses. And I think Dr. Saab, if you have to say something, then you can put us questions. Well, thank you very much. The idea of People's United Front is to, as we have said in the joint statement also, to create and provide a very credible political alternative to the people of Jammu and Kashmir state, a front which is very inclusive, talks about justice to all and equal opportunities to all. जिस तरह से आपने देखा होगा कि वही लोग शायद जदोजहद की कुर्बानी की अच्छाई की बात कर सकते हैं जिन्होंने खुद जदोजहद की होगी, खुद कुर्बानियां दी होंगी. इस पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के नीचे वो लोग जुड़े हैं जो इस रियासत के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस रियासत के सभी लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं. सबसे बड़ी बात जिसने आज हमें यूनाइट करने पर मजबूर किया है वो ये है कि कल जब तारीख लिखी जाएगी और ये देखा जाएगा कि जिस वक्त इस रियासत को एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, एक वजूद की लड़ाई दरपेश थी, क्या उस वक्त भी लोग डिवाइड होके रह गए, तकसीम होके रह गए, कि क्या उस वक्त लोग जुड़ गए, यूनाइट हो गए और एक तरफ से एक साथ होके एक लड़ाई लड़ने की कोशिश की. हमने अपनी तरफ से एक छोटी सी पहल की है. हमें उम्मीद है कि रियासत के सभी लोग, जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग, लद्दाख के लोग, तमाम मजाहिब के लोग, तमाम रीजन्स के लोग इस पहल को इंशाल्लाह मजबूत करेंगे और इसको कामयाब बनाएंगे. अब हम आपसे सवाल लेने के लिए तैयार हैं. आई विल आंसर योर क्वेश्चन. अभी हम आपको एजेंडा ऑफ अलायंस की कॉपी मेल कर देंगे. उसका पहला ही हमारा पॉइंट जो है वो ये है, जो एजेंडा ऑफ अलायंस का
पहला पॉइंट है टू परस्यू एंड फैसिलिटेट द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू इन इट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एज पर द विल एस्पिरेशंस एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ द पीपल ऑफ एर्स्वाइल जेएंडके स्टेट एंड सपोर्ट ऑल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बात सुनिए ना पहले पूरी मेजर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दैट कैन गिव रिलीफ टू द पीपल ऑफ बोथ साइड्स ऑफ एलओसी दिस इज पार्ट ऑफ अवर पॉलिटिकल एजेंडा एनी फर्दर क्वेश्चन यू कैन आस्क अगर आपने ये पढ़ा होगा अगर आपने ये समझा तो शायद हमने जवाब दिया आपकी बात का फिर रिपीट करना चाहूंगा टू परस्यू एंड फैसिलिटेट द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू इन द हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट एज पर विल एस्पिरेशंस एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ पीपल ऑफ एर्स्वाइल स्टेट मामला खत्म आगे अनदर क्वेश्चन उनके सवाल का मामला खत्म है ओके एनी मोर क्वेश्चन शुरुआत दो पॉलिटिकल पार्टी से हुई है आगे क्या होता है कैसे परेशानियां जितनी बढ़ेंगी उतना हमारा इंशाल्लाह जदोजहद उसी तरह से उसको स्ट्रगल को भी उसी तरह से हम आगे कैलिब्रेट करेंगे I will add to what Dr. Saab has said, आपके सवाल का जवाब आपको इंशाल्लाह परेशान होने की जरूरत जेके जो आज हमने बनाया पीपुल्स यूनाइटेड फ्रंट अगली सरकार पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट की होगी हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी बट वी आर ओपन टू आइडियाज आई एश्योर यू वी आर नॉट हियर फॉर सीकिंग एनी रिहैबिलिटेशन मुझे माफ करें जब मैंने नौकरी छोड़ी 10 साल नौकरी की नौकरी छोड़ी शाह फैसल साहब इनका नाम पूरे वर्ल्ड में था 10 साल नौकरी की छोड़ी हम बाकियों की तरह रिहैबिलिटेशन के लिए नहीं है हम कुछ छोड़ के आए हैं जावेद मुस्तफा साहब 2 बार मिनिस्टर रहे बाकी जितने भी हमारे साथ हैं 4 बार वी एश्योर द पीपल ऑफ स्टेट वी एश्योर पीपल ऑफ स्टेट कि हम आपको एक क्रेडिबल करप्शन फ्री नेपोटिज्म फ्री गवर्नमेंट देंगे और साथ ही पॉलिटिकल रेजोल्यूशन के लिए इंडिया पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी करना पड़ेगा वी विल डू दैट इट इज़ अ ट्रूली जो वैक्यूम था क्योंकि यहाँ पर कोई रीजनल पार्टी पीडीपी हो एनसीओ कोई हो दे फेल टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल एंड दैट इज़ वाई देयर वॉज अ डर्ट नीड मतलब ए डेस्परेट नीड ऑफ पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट एंड वी एश्योर कि खुदा ने चाहा तो इंशाल्लाह फुल मेजॉरिटी के साथ पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट रियासत के तीनों खिते के लोगों की तर्जुमानी करेगा डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप जो पार्टी का मेन मकसद है कि ये 35A को डिफाइन करने के लिए अगर देखा जाए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहती है यहाँ डिलिमिटेशन हो जाए अगर डिलिमिटेशन हो जाएगी यहाँ पर तो ये तो बीजेपी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो रखा है कि हम 35A को अगर गेन करेंगे तो आप किस कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे इस चीज को और दूसरी की लोग आप पे आपकी पार्टी में कैसे मेंबर्स हैं कि जो आपके इलेक्शन असेंबली इलेक्शन लड़ने वाले हैं देखिए मकसद पीपल्स फ्रंट बनाने का ये है कि जो हमारे पास है उसको बचाना है जो हमसे छीना गया है उसको वापस लाना है और जिसका हमें हक है वो हमें हक दिलाना है तो 35A की बात आपने की या डिलिमिटेशन की बात की ये पॉलिटिकल असॉल्ट्स है ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस को अगर हम सबवर्ट करेंगे तो उसके जरिए चैलेंज किया जाता है इसको सियासी तौर से ही काउंटर किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स के जरिए इंशाल्लाह जमहूरी तरीके से हम इसका जवाब देंगे बाद में वाटर रिसोर्सेस कुछ मामला थे कि जो यूनियन गवर्नमेंट ने माने नहीं पावर में आने के बावजूद भी हाउ कैन यू एश्योर द पब्लिक ये जो नया फ्रंट होगा ये रिवायती फ्रंट से अलग हटके होगा हालांकि लोकसभा इलेक्शन में इंजीनियर साहब का वोट अच्छा खासा आया लेकिन फिर भी रिवायती पार्टियां ही इलेक्शन जीत गई आप कैसे एश्योर करेंगे आप उनसे डिफरेंट होंगे जो मप से लेकर पाक तक जम्मू कश्मीर में हालात है देखिए पहली बात तो ये है कि रियासत के लोगों को लफ्जियात में या वोकैबुलरी में या इडियम्स में उलझाना मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि एक नई शुरुआत हुई है उन लोगों ने की है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुर्बानियां दी है कुछ ना कुछ छोड़ के यहाँ पे आए हैं इसलिए जो बातें हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो हम पूरी कन्विक्शन से लिख रहे हैं एंडोर्समेंट रिसेंटली पार्लियामेंट इलेक्शन में इंजीनियर रशीद साहब को मिली एक सैलाब सा आया लोगों का हमने जिस तरह से कैंपेनिंग की शायद अगर और की होती तो उसका शायद नतीजा बिल्कुल डिफरेंट होता आप मुतमइन रहिए जो चीज़ें आज तक नहीं हुई हैं हम बिल्कुल मुसलसल जदोजहद करके और एक सिंसियर जदोजहद करके उन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करेंगे जो हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस है इस वक्त जो जो भी इस पर ट्रूली मतलब इस पर भरोसा दिखा देगा वी आर ओपन टू टॉक विद एवरीवन अगर आपको याद होगा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी कहा कि हमने तब मैडम से लेके फारूक साहब तक सजाद साहब से लेके इवन तब तक हमारा अलायंस नहीं था हमने कहा अगर आप वाकई कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करके जिसमें कुछ आप अचीव करेंगे अपने लोगों के लिए विदाउट चीटिंग देम वी आर ओपन
all such alliances. جو بھی ہمارے ساتھ جیسے فیصل صاحب نے خود کہا ابھی ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیوں آگے آگے دیکھے ہوتا ہے کیا وی آر شیور دیٹ وی ول گیو این آلٹرنیٹو اٹ از آج اس کی ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن پڑی ہے نو ڈاؤٹ آئی فرملی بلیو اٹ از پارٹ آف مائی فیتھ اینڈ وی ہیو پروڈ اٹ دیٹ People's United Front will not need support from anyone, but seeing the miseries of the people, we will try to unite people. We are not there to divide people. We are not against any region, against any community, against any political party. In fact, we will speak for the voters of BJP, PDP, Congress, because sufferings are same, miseries are same, musibatein ek hai, dukh ek hai, masla ek hai, good governance ki baat hai, کشمیر ایشو کی بات ہے ہیومن رائٹس کی بات ہے جو کچھ بھی ہے وہ مسائل سب کے سانچے ہیں عام آدمی از لیسٹ باڈرڈ اباؤٹ دا فیکٹ ہو رولز دا اسٹیٹ جیسا ڈاکٹر صاحب نے خود کہا سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں وی آر ناٹ دیئر کہ ہم چاہتے ہیں کوئی کرسی ملے کوئی کچھ ملے میں چاہتا میں بھی دو بار منسٹر بن گیا ہوتا ڈاکٹر صاحب ود ان کچھ ایئرس چیف سیکرٹری کے پوسٹ سے بھی آگے جاتے لہٰذا میرے خیال گیو ٹائم وی ہوپ اینڈ آئی ول اپیل پیپل آف جموں اینڈ کشمیر وی ول ناٹ لیٹ یو ڈاؤن آپ کو بہت دھوکے ملے ہیں ان شاء اللہ پیپلز یونائٹ فرنٹ کرنا سے لے کے لکھن پور تک لوگوں کو یونائٹ کرے گا اور جو ضرورت لوگوں کی ہے اس کو ہم ان شاء اللہ پورا کر کے رہیں گے تھینک یو لائن سے وہ ترتیب دیا گیا ہے جس کو آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے اس میں پولیٹیکل ایشوز پولیٹیکل رائٹس کے ساتھ ساتھ گڈ گورننس پہ بڑا امپورٹنٹ فوکس ہے ہم نے بہت سالوں سے یہاں پہ جو ناانصافیاں دیکھی ہیں ایک ہے کشمیر ایشو دوسرا ہے مسائل کشمیر کہ جو روزمرہ کی پریشانیاں ایک کشمیری کو ایک جموں والے کو ایک لداخ کے انسان کو جو بھگتنا پڑتا ہے یہاں کے دفتروں میں جا کے یہاں کا جو ڈیولپمنٹل ڈیفیسٹ ہے یہاں پہ جو بے روزگاری ہے یہاں پہ جو جس طرح کے چوریاں ہوتی ہیں یہاں کے آفیسز میں اس ناانصافی سے نجات دینے کے لیے یہ پارٹی انشاءاللہ کام کرے گی. We'll be right back.